परम सत्कार योग सत्संग जीओ सेव श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हां दी पावन हजूरी विच बैठ के आप जी इन्हां दरगाही घड़ियां दा आनंद ले रहे हो। सतगुरां दी बख्शी फतेह प्रवान करो, नाल अपनी असीस बख्शो ता जो कीर्तन द्वारा आप संगतां दी सेवा कर सकीए। आओ सारे प्यार नाल फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस तरह आप जी श्रद्धा प्यार नाल कीर्तन सरवण कर रहे हो और बहुत सारिया संगतां टीवी राही ये समागम सुन रही ने, इत्थे बैठे सुन रहे हो या घरां च बैठे, एक गल ते है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे नाल तुहाडा प्यार है। अगर प्यार ना हुंदा ते तुसीं इउं चौंकड़े मार के ना बैठे होंदे। एक गुरु की कृपा है सत संगत, जिस वेले आपां गुरु दे कोल आने आं ते गुरु दे कोल भी उदों आने आं जदों गुरु आप कृपा करदे। उहदी कृपा तो बगैर असीं उहदे कोल आ भी नहीं सकते। बड़े वड्डिया भागां वाले हो जो दूरों नेड़े हो चल के, दीन दुनिया दे मालक गरीब निवाज सतगुरु धन धन श्री गुरु नानक साहिब जी महाराज, उन्हां दीयां तुसीं खुशियां लैण वास्ते आए हो। आओ प्यारे हो, सारे मिलके कीर्तन करिए, कोई भी रसना वांझी ना रह जाए।
इनिया संगता बैठिया होन ते आवाज नाल गुरु दरबार ना गूंजे गल बनदी नी सतसंग जी करो कृपा सारे अपने अपने वालों अरदास करो दाता चंगे आ मंदे आ जैसे भी आ हाते तेरे साडे औगणा वल ना वेख साडे सिर ते भी अपना मेर भरिया हथ रख ताकि साडे दुख दलिद्र भी कटे जान आखो सतनाम श्री किसे नू कुछ चाहिए किसे नू कुछ चाहिए जो चाहिए मंगो सतगुरु कोलों पर ये पंक्तियां पढ़दियां होयां क्योंकि मंगण दा वेला ओहो ही हुंदा है जदों मन जुड़िया होवे ये वखरी गल है कि कोई दाते नू मंग लवे भावे उदियां दित्तियां होईयां दाता मंग लवे इस करके आओ प्यारे हो एक वरी दास बोलणगे एक वरी सारी संगत अपने अपने वल्लों धन गुरु नानक साहब दे चरणा विच लगवाओ हाजरी कोई भी रसना वांझी ना रह जाए Thank you.
परम सत्कार योग सत संग जीओ। एक शायर दा कथन है, ऐ खुदा तेरा कर्म तो सबके लिए है, हम कितना ले सकेंगे ये मुकद्दर की बात है। सिख पंथ दी अजीम शख्सियत माया नाज हस्ती परम सत्कार योग ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब, उना दे आशीर्वाद सदका असी कुछ वचन आप जी दे सामने रखिए। सेब बाणी विच फुरमान कर देने अण मंगिया दान देवना, कई वरी मंगना नहीं पैंदा अपने आप ही सब कुछ मिल जांदा है। सत संगत कुछ कर्म ऐसे हुंदे ने किसे वेले दे कीते हुए नेक कर्म, किसे समय दा कीता होया सिमरन भजन बंदगी, किसे समय दा कीता होया दान पुन, ओ किस वेले सानू फल देवे ए मालक जाने। इसे वास्ते कहंदे ने दान पुन करिया करो, सेवा सिमरन करिया करो, क्योंकि रोज दा सिमरन कीतिया रोज दी सेवा, रोज दा दान पुन, रोज दी संगत कीतिया उदे विच एक दिन ऐसा जरूर आंदा जिस दिन साडा मन टिक जांदा। इसे वास्ते सहब कहंदे ने रात दिवस कै कूकने कबहू कै सुने पुकार, दिन रात पुकारो कदी ना कदी ओ तुहाडी पुकार जरूर सुनेगा। पर शर्त ए है कि तुसी पुकारन लग्या थक्यो ना, क्योंकि सहब जी कहंदे ने एक तिल नहीं भन्ने काले, थोड़ा जा भी तुहाडा कीता होया सिमरन तुहाडी नेकी तुहाडी सेवा गुरु कदे भुलांदा नहीं। सतसंगत कई वरी किसे लोड़वंद नूं किसे गरीब नूं कुछ दईए ना, ते एक वरी ते ओ जरूर दुआ देंदे कि साडा भला करन वालिया रब तेरा भला करे। ते दुआ हर वेले नहीं लगती होंदी पर किसे वेले लग जांदी है, ते जिस वेले ओ दुआ लगती है फिर रब इन्ना कुछ बंदे नूं दे देंदे कि बंदे तो संभालिया नहीं जांदा। इस करके जिन्ना हो सके नेक कर्म करो, चंगे कर्म कर दे जाओ, उदा फल परमात्मा जरूर अच्छा देवेगा, क्योंकि तुहाडे कीते हुए पुन तुहाडी रखिया जरूर करदे ने। बड़े वड्या भागां वाले हो जो मीरी पीरी दे मालक गरीब निवाज सतगुरु तन तन सिर गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज, उना दे पावन अस्थान दियां तुसी हाजरियां भर रहे हो। एक वरी प्यार नल आखो सतनाम श्री। माई सुलखणी जिहड़ी चब्बे पिंड दी रहण वाली, घर औलाद नहीं, ना कोई धी है ना कोई पुत्र, बड़िया सुखना सुखदी ए मनता मंदी ए, ते किसे ने दसिया सुलखणी इधर उधर भटकदी ए, भाग चंगे हन जो छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज साडे इलाके विच आए ने। सुनिए जिहड़ा भी गुरु साहब दे कोल आस नाल जांदे ओ कदी खाली नहीं मुड़िया, जे तैनू पुत्र चाहीदे ते इंज कर, गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे चरणा विच अरदास कर, ओ कृपा करनगे तैनू जरूर पुत्र दी दात मिलेगी। सत संगत वेखो गुरु साहब दा नां सुन के उहदे अंदर आस पैदा हो गई, ते एक गल याद रखना जिहड़े आस लै के गुरु दे दर ते आंदे ने उहनां ते कृपा हो जांदी ए। जिस वेले सतगुरां दी महिमा सुनी ते सुलखणी चल पई गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे दर्शनां वास्ते, ते रस्ते दे विच जिधर पता लगा कि गुरु साहब जी आ रहे ने, उस रस्ते विच जा के खड़ी हो गई, ते थोड़ी देर बाद ही दल भंजन गुरु सूरमा बड जोदा वो पर उपकारी। गुरु हरगोबिंद साहब घोड़े ते सवार हन, सिख संगता नाल ने, साहिबा ने अपने सीस ते चिट्टी दस्तार बन्नी है, कलगी सज रही है, सोना दाड़ा चेहरे ते नूर, चेहरे दा जलाल चलिया नहीं जांदा, अखां विच्चों अमृत वरस दे, ओ जिदे वल प्यार नल तकदे ने गुरु हरगोबिंद साहब ओदा जन्म मरन सवर जांदे।
ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੱਜ ਮਾਈ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਆਈ ਤੇ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਣ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਨ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਈ ਸੁਲੱਖਣੀ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ? ਤੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਘਰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਦੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਲੱਖਣੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਉਂ ਰੋਈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਸੰਗਤ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਵਹਿ ਗਏ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਸਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਜਾਗਣ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਰੋਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਾਣੀ, ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬੜੀ ਆਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ। ਜੁਗਤ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਏ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਲਮ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਆ ਕਾਗਜ਼ ਫੜ ਲੈ, ਇਹ ਕਲਮ ਲੈ ਲੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸ, ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਜਾਈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਦਾਤ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਆਖੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਜਾਂਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਣਾ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਤੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਮਾਈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਖੜੀ, ਘੋੜਾ ਰੋਕਿਆ। ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਈ ਤੂੰ ਫਿਰ ਖੜੀ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਦਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜੁਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਏ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਸਤਸੰਗਤ, ਵੇਖੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਏ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਨ ਨਾ ਚਾਰ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ।
गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा भी हुण नहीं इनकार किया जाना। मुस्कुरा के कह लगे लगदा मेरा भेती मिल गया तैनू, कोई किसी ने तैनू सिखा दिता है, तेरे कोल इना ज्ञान है नहीं सी। कह लगे सुलखणी एक पुत्र चाहिए। कह लगी हाँ महाराज। गुरु हरगोबिंद साहब ने सज्जे हाथ विच कलम ते खब्बे हाथ विच कागज फड़े है। शाही विच कलम नू डुबो के कागज उत्ते एक लिखण लगे ने, पर कमाल ही हो गई, घोड़े ने पैर हिला दिता, छेवें पातशाह दा हाथ हिल गया, एक दी जगह सत पै गया। सत संगत ए सारी खेड गुरु दी ए, अनजानपणे विच कुछ नहीं हुंदा। जद एक दी जगह सत पिया ते गुरु हरगोबिंद साहब हसे ते हस के कहन लगे सुलखणी ओए तू ते एक पुत्र मंगण आई सी, जा गुरु नानक दे घरों तैनू सत पुत्रां दी दात मिलेगी। जिस वेले ए सुनिया ते सुलखणी दे हाथ जुड़ गए, अखां दे विचों इउं आंसू निकले जिवें बरसात पैंदी ए। नाले ते सुलखणी प्यार विच आके रोंदी ए ते नाले कहंदी ए दाता ए तां सुनिया सी, जेड़ा तेरे दर ते आवे जो मन दी इच्छा उस तों वी वध तू देने, पर अज ए गल प्रतख हो गई। तन ए दाता तन गुरु हरगोबिंद साहब। आओ सत संगत आपां वी सारे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे चरणां विच अरदास करिए। जो जो मन दी इच्छा कोई आवे सही भावना नाल चल के गुरु दे दर ते, नाम दी दात मंगे नाम मिलदे, दे अरोगता मंगे दे अरोग हुंदी है, धन मंगे पुत्र मंगे मकान मंगे, ते जे प्रेमा भगती करके गुरु नूं ही मंग लवे ते गुरु भी चल के घर विच आ जांदे ने, हिरदे रूपी घर विच फेरा पा जांदे ने। आओ सारे मिलके जपो जी। Thank you.
जेड़ा पानी उत्ते पत्थरा नू तारदा उत्ते नुक्या लगदा रूप बंदिया जेड़ा पानी उत्ते पत्थरा नू तारदा उत्ते नुक्या लगदा रूप बंदिया जेड़ा पानी उत्ते योग साथ संग जीओ। गुरु ऐसे जिदे वल केवल एक कदम प्यार नल चलन दी लोड़ है, वो करोड़ा कदम साढ़े वल चल के सानू अपने गल दे नल लगा लेंदे।
गुरु इन्ना बख्शांद है साढ़े जन्मा जन्मा दे लेखे एक छिन विच फाड़ देंद है साढ़े चुकन विच देरी हो सकती है वो साढ़े वड्डे तो वड्डे गुनाह बख्शन विच एक छिन भी नहीं लगांदा सब तो वड्डी गल गुरु अपने सिख दी सिर्फ इस लोक विच ही नहीं बल्कि परलोक विच भी बाणी छड़दा एथे उथे रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला सत संगत इतिहास विच एक कथा वाचक होए ने भाई पृथ्वीपाल सिंह शायद आप विचों कईयां ने सुनिया होवेगा उन्हां दा नाम कहिंदे ने असल विच इन्हां दा जन्म मुसलमाना दे घर विच होया सी ते पहला नाम इन्हां दा सी मुश्ताक हुसैन कहिंदे ने इह अपने अब्बा नाल 10-11 साल दी उम्र विच हज करन गए मक्के मदीने ते नाल ए बगदाद भी गए भाई साहब लिखदे ने कि मेरा पिता चाहुंदा सी कि मैं चंगी तालीम लै के इस्लाम दा बहुत वड्डा प्रचारक बना आलम फाजल बना कहिंदे ने मैं उत्थे कई लाइब्रेरियां देखियां अरब विच ते मेरे पिता ने कहा भी ए जड़ी वड्डी लाइब्रेरी है तू एदा मुतालिया कर इत्थों ज्ञान हासिल कर कहिंदे ने मैं उत्थे कई चिर रहा उन्हां किताबां नूं पढ़दा रहा ते सत संगत ओ लिखदे ने कि उत्थे मैनूं पढ़दियां पढ़दियां फिर एक किताब मिली जिहदा नाम है स्यातोवा बाबा नानक ते जिन्ने ओ किताब लिखी है उस राइटर दा नाम है ताजदीन कहिंदे जिथे जिथे गुरु नानक साहब महाराज बगदाद विच गए ने ओ राइटर हजूर दे नाल रहे है एवें नहीं लिखी उन्हें किताब उदे विच ओ सारे सफर दा जिक्र करदे कि अज बाबा जी इत्थे रुके अज बाबा जी ने ऐ किया अज बाबा जी ने आ किया ए जिहड़ी घटना आप जी नूं सुनाण लगे आ ए उस किताब विच लिखी होई है ताज दीन लिखदे कि अद्धी रात तो बाद तारियां दी छां विच अमृत वेले नानक पीर कीर्तन करदे होंदे सन साथी रबाब बजांदा सी ते बाबा नानक बड़े वजद विच आ के गाउंदे सन कहिंदे इक बीबी जिहदा नाम सी सलीमा उन्हें बुरका पाया होना चेहरा ढकिया होना ते उन्हें रोज कीर्तन सुनन आना जदों दिन चढ़न लगदा सी बाबा नानक कीर्तन बंद कर देंदे सन ते उन्हें दिन चढ़न तो पहला पहला लोकां तो बचा के घर वापस चले जाना कहिंदे एक दिन दी घटना है कि सलीमा आई ते मैनू नानक पीर ने इशारा कीता कि सलीमा नू कहो अज वक्त नाल अपने घर चली जाए जल्दी चली जाए कहिंदे मैं गया उहदी सुरत जुड़ी सी मैं जा के कहा सलीमा वो बुरके विच ही बोली दसो कहिंदे मैं कहा नानक पीर कह रहे ने तू घर वापस चली जा जल्दी चली जा कहिंदे वो उठी वापस जान लगी पर पता नहीं अज उन्हों कीर्तन विच की रस आया इन्ना वजद आया उन्हें अगे हो के गुरु नानक साहब दे चरणा ते अपना मथा रख दिता ताज दिन लिखदे मेरी अखी देखी गल है जिमें एक बच्ची दे सिर ते प्यार दई देना इउं बाबा नानक ने सलीमा दे सिर ते हथ रखिया असीस दिती ते एक बेनती कर दईए सत संगत जदों गुरु किसे दे सिर ते हथ रख देवे ना ते उहदे जन्मा जन्मा दे औगण खिन विच कट देंदे इतिहास विच लिखे है कि जिस वेले सलीमा मत्था टेक के उठी ते उदा पहला शब्द ए सी कि हजूर मैनू इंज लगदा है जिवें मेरा पति मेरा खावंद अज घर आ गया है उनू इंज महसूस होया जिवें मैनू दिव दृष्टि मिल गई है जिस वक्त सलीमा ने ए गल कही ते उत्थे फिर सतगुर ने एक बचन किया कह लगे सलीमा बेटा जो तेरे अंदर दी अवस्था है ना बस इनू जर लई जे जर लेंगी ते याद रखी अल्लाह दे घर तक तेरी रसाई हो जाएगी पहुंच हो जाएगी ओ परमात्मा अल्लाह तेरे पर्दे टकेगा सत संगत उहदे पति दा नाम सी जाजा गुलाम ते असल विच ओ व्यापारी सी
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਫਿਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਬਾਬਾ ਸੁਣਦੀ ਏ, ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਦੀ ਏ। ਉਹ ਭਰਿਆ ਪੀਤਾ ਆਇਆ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਲੀਮਾ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਚੀਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਈ ਤੂੰ ਗਈ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਹੀ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਰੁਕ ਜਾਓ, ਬੋਲੋ ਮਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਬਚਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਕੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਲੀਮਾ, ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਊਂਠ ਅਚਾਨਕ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਊਂਠ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕੀਲਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਊਂਠ ਤੜਫਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗਾ, ਮੌਤ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਫਤਵਾ ਇਹ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਖੂਨ ਕਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਦਲੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ 500 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 500 ਮੋਹਰ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਹਰਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੋਹਰਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਕਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜਾਮਨ ਬਿਠਾ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਾਮਨ ਨਾ ਦਿਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਦਾੜਾ ਚਿੱਟਾ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ, ਸਾਦੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਖੱਦਰ ਦੀ ਪਗੜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਆ, ਤੇਰਾ ਜਾਮਨ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਦਣ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾਮਨ ਨੂੰ ਭਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਜਾਮਨੀ ਭਰੀ ਏ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੀ ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਹੋਈ, ਲਿਖਤ ਪੜਤ ਹੋਈ, ਮੁਕਦਮਾ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਜਾਮਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਲੱਭਿਆ ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਸਲੀਮਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅੱਜ ਤੀਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਲੀਮਾ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਸਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ,
ते उन्हें बाबे नानक दे चरना दा ध्यान टिकाया होया। जाजा गुलाम पुछदा भी तैनू किवें पता लगा तू रोई क्यों, कहिंदे मेरी एक गल मन्नोगे। कह लगी मेरे कहण ते मेरे ते भरोसा रख के एक वारी उस नानक पीर कोल चल पाओ। कहिंदे मैं तुहानू सच दसा असल विच ओ वली अल्लाह है, मैं रोज जानी हाँ उथे, उदे कोलों अब्बा वाला प्यार मिलदा, खुदा दी झलक पैंदी है। सत संगत हुण ओ बंदा टिक गया, क्योंकि याद रखियो एक कल्ले पत्नी दे शब्द नहीं, इते बाबे नानक दी कृपा ते संगत दा असर सी। ताज दिन लिखदा है कि मैं देख रहा सा अगले दिन अमृत वेले सलीमा आई, उदा पति उदे नाल सी। बाबा नानक उस अकाल पुरख दा कीर्तन कर रहे सन, बड़े वजद विच आए हुए। सत संगत इतिहास विच लिखे है भी जिस वेले जाजा गुलाम ने गुरु नानक सामनो देखिया, इको दम ओ दौड़िया, दौड़ के हजूर दे चरना ते सिर रख दिता, ते उच्ची आवाज विच बोल के कहंदे सलीमा एही ओ जामा ने जिहड़ा मैनू मौत दे मुँह चो बचा के लियाया, ए ओही है। ए ओही है जिन्हें मेरी जान बचाई है। इनी गल कह के ओ जार जार रोन लग पिया। ताज दीन लिख दे कि उस वेले इतना बैराग छा गया, जितने भी उथे मौजूद सन सब दिया अखां विचों छम छम हंजू बह रहे सन। ते गुरु नानक साहब मुस्कुरा के कहंदे ने भलिया पुरखा, ए तेरी घर वाली रोज बाणी पढ़दी है, बाणी सुनदी है, इते सदका तेरी रखिया होई है, क्योंकि बाणी पढ़न वालियां दी बाणी सुनन वालियां दी मैं कदे भी बाह नहीं छड़दा, लोक विच भी ते परलोक विच भी। सत संगत इस किताब नू मुश्ताक हुसैन ने अरब दी उस लाइब्रेरी विच जा के पढ़िया, इतिहास कहंदे फिरों इन्ना प्रभावित होया गुरु नानक साहब महाराज दे जीवन तो बाणी तो, कि उन्हें फिर लाहौर आके अमृत छकिया, ते मुश्ताक हुसैन तो उदा नाम पया पृथ्वीपाल सिंह। अमृत छकाण वालियां विच अकाल तख्त साहब दे जथेदार होए ने ज्ञानी अच्छर सिंह जी, उन्हां कोलों इन्हां ने अमृत दी दात लई, ते फिर गुरु ग्रंथ साहब दी कथा करनी शुरू कीती। आखो सतनाम श्री। एक बेनती कर दईए सत संगत, कदी बहुती भीड़ पवे ना, बहुत मुश्किल दा समा आवे, एक गल याद रखना जितना गहरा दुख होवे उन्नी गहरी श्रद्धा गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ते रखना। सारे मुंह मोड़ जान, कदी कल्ले आके गुरु ग्रंथ साहब जी कोल झोली अड़ के बह जाना। दाता सारे आसरे चले गए, हुण तू ही मेरा आसरा है, तुहाडी इस तरह दिलों कीती हुई अरदास सारे विगड़े काम बनावेगी। आखो सतनाम श्री। जिथे आप जी अज धन गुरु नानक साहब महाराज का प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हो, उथे दया दे सागर राज योगी महापुरुष परम सत्कारयोग बाबा करतार सिंह जी पटना साहब वाले, बाबा त्रिलोचन सिंह जी गोइंदवाल साहब कार सेवा वाले, उन्हां महापुरशां दी याद भी तुसीं मना रहे हो, क्योंकि उन्हां महापुरशां ने अपने जीवन विच जो सोचिया दूसरियां वास्ते सोचिया, जो कीता दूसरियां दे भले वास्ते कीता। महापुरशां ने गुरु ते भरोसा कीता, अपना सारा जीवन गुरु दे लेखे लाया, ते उदा फल की होया अज वेखो किड्डे जोड़ मेले लगे हुए ने, कितों कितों संगता आ रही ने। तो आओ बड़े प्यार दे नाल सरवण करो जी। Thank you.
संगत सानू संगता ने दसे है कि गुरुद्वारा छेवीं पातशाही इस पावन अस्थान दी सेवा सत्कारयोग बाबा करतार सिंह जी उन्होंने करवाई है। तो आओ उन्होंने श्रद्धा दे फुल भेट करदिया होया एक बारी दास बोलणगे एक बारी सारी संगत उच्ची आवाज विच हाजरी लगवाओ कोई भी रसना वांझी ना रह जाए। Thank you.
जगत करे नमस्कार, सब जगत करे नमस्कार, हो नालो सब जगत करे नमस्कार, हो नालो स्टेज सकत्तर साहब, आवाज विच रूहानी ताकत रखण वाले परम सत्कारयोग भाई साहब भाई हरविंदर सिंह जी वीर, उन्हां वल्लों हुक्म आया है एक वार सुनाउण दा। मैं सिखी दानी छड़ना रा आ रहा तू चीरी जाई वे, दिल्ली दे चांदनी चांदनी चौंक विच भाई मती दास जी आरे नाल की गल्लां करदे ने, आओ बड़े प्यार दे नाल सरवण करो जी।
ਵਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੋੜ ਪਈ ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਸਿਰ ਤੇ ਪਵਾਵਾਂਗੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਵਾਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ, ਮਾਰਿਆ ਤੁਛੀ ਨੀ ਜਾਈ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ, ਮਾਰਿਆ ਤੁਛੀ ਨੀ ਜਾਈ ਵੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨੀ ਛੱਡ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਤਸੰਗ ਜੀਓ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕੀ ਖਬਰੇ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡਿਆਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਆਰਿਆਂ ਲਾਚ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਖਣੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਦਕੇ ਜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰੀ ਹੋਈ ਏ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਮਨਸੂਰ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਮਨਸੂਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਏ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਜੀ ਕਾਸ਼ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਮਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੁਕਾਜਾ ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਕਹਿ ਆਵਤ ਲਾਜਾ ਇਹ ਮਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਮਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਲਾਦੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਿਓ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਤੀ ਦਾਸ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਮੌਤ ਤਿਆਰ ਹੈ
भाई मती दास जी ने कहा काजी जिंदगी दी इको ही ख्वाहिश है कि जदों मेरे सीस उत्ते आरा रखो मेरा मुंह गुरु तेग बहादुर साहब दे पिंजरे वल कर देना। मती दास ने अगों जवाब दिता ओ चला मेरी मुश्किल हल होवे मेरे सीस उत्ते जदों चले आरा मेरा मुंह गुर पिंजरे वल होवे। भाई मती दास जी दे सामने आरा लिया के रखिया गया। जल्लाद ने आरे दे दंदिया उत्ते हाथ फेरिया सुर करके हाथ लंघ गया। भाई मती दास जी ने कहा ओ जल्लाद ए तेरा आरा मजलूमा दा लहू लग लग के खुंडा हो चुका है मित्रा ए दे दंदे जरा तिखे कर ले खुन्नी छुरी नाल हलाल होण दा की स्वाद है। उने आख्या हुण मौत तो डर लगदे कुछ होर समा चाहुने केण लगे नहीं तू अपना आरा तिखा कर मैं अपना मन तिखा कर लवां। जल्लाद ने किया आरे दे दंदे ते टकोरे नाल तिखे हो जाणगे ते तेरा मन कदे नाल तिखा होवेगा। भाई मती दास जी ने कहा ओ जल्लाद अगर तेरे आरे दे दंदे टकोरे नाल तिखे हो सकते ने ता सिख दा दिल गुरु नानक दी बाणी नाल तिखा हो सकदे। भाई मती दास जी ने श्री जपजी साहब दा पाठ शुरू कर दिता। सिर उत्ते आरा रखिया गया। चांदनी चौंक विच लोकां ने एक कौतक देखिया के सरे बाजार भाई मती दास जी नू आरे नाल चीर दिता गया। शायर कहिंदे मती दास दे सीस ते रख आरा गुस्से नाल जल्लाद एक कहण लगा लै ओए धर्म दे हेतुआ हो तकड़ा तेरी काया दा कोठड़ा ढहण लगा। मती दास उदास ना रता होया खिड़े मथे तसीहा नू सहण लगा डुल्ला खून शहीद दे जिसम विचों ते तुबका तुबका वंगार के कहण लगा ओए मैनू जिन्ना तसीहा नाल चीर दे ओ ए हिसाब लगाया नहीं जा सकता तावी गुरु तेग बहादुर साहब दा सिख कोई मुसलमान बनाया नहीं जा सकता। सतसंग जी स्वास स्वास नाम जपण दी प्रतख उदाहरण भाई मती दास जी सन जिन्हां नू दो तख्तियां विच बन के आरे नाल चीरिया गया पर उन्हां ने सिदक नहीं हारिया। सब तो निराली गल के श्री जपजी साहब दे पाठ दा अखीरला सलोक भाई मती दास दे शरीर दे दो टुकड़िया ने रल के पढ़िए। जपो सारे जिन्नी नाम त्याया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। शायर कहिंदे ओ बगीचा वी कादा बगीचा जिदे अंदर कोई फुहारा ना होवे ओ कहानी वी कादी कहानी जिदा कोई अगों हुंगारा ना होवे ओ पींग वी कादी पींग हुंदी जिदा कोई वधिया हुलारा ना होवे ओ कौमां कदे तरक्की नहीं करदियां जिन्हां दा उच्चा जयकारा ना होवे। दुनिया दे वंड खुशियां खेड़े अरदास मालका
अरदास दातिया चरणा विच तेरे अरदास दातिया गुरु के प्यारे ने श्रद्धावान संगतां ने कीर्तन का सत्कार करदिया होया मीरी पीरी कीर्तन विद्यालय दियां उन्हां गरीब बच्चियां वास्ते माया भेट कीती है। असी दोनों हाथ जोड़ के तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के पावन चरणा विखे अरदास करदे हां कि सतगुरु आप सब दी किरत कमाई कारोबारां विच बरकत बख्शण, आण वाला समा तुहाडा सारिआं दा सुखां भरिआ आवे, मेरे सतगुरु तुहाडा ते तुहाडे बच्चिआं दा भला करन, जो आप जी ए माया कीर्तन भेट सानू देंदे हो, इस माया दा इक इक पैसा उन्हां गरीब बच्चिआं वास्ते जांदा है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज लोक परलोक दे सुखां नाल ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।
अति धनवादी हाँ सत्कार योग मीरी पीरी वेलफेयर सेवा सोसाइटी के इन्हां समूह श्रद्धावान नौजवान वीरां दा गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का तह दिलों धनवाद सूझवान स्टेज सकत्तर साहब का साउंड सिस्टम वालियां दा अते गुरबाणी लाइव चैनल वालियां दा तह दिलों धनवाद करने हाँ जिथे आप संगतां दा धनवाद उथे परम सत्कार योग महापुरश बाबा गुरचरण सिंह जी ठट्टे डिब्बे वाले उन्हां महापुरशां दा वी असीं तह दिलों धनवाद करना चाहते हाँ महाराज आप सभना दियां हाजरियां अपने दर ते प्रवान करन जी आओ मिलके श्री अनंत साहिब जी दा पाठ करो जी राम कली महला तीजा आनंद इक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी पाए सतगुरु में पाया सतगुर का पाया सहज सेती राम रतन परवार करिया शब्द का सलाहा तेरी राम मन बसावे राम जिनके मन बसया कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे सच राम मेरा आधार सच राम आधार मेरा दिन भुखा सब दबाइया कर शांत सुख मन आए खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।